एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स भारती, दिस साइड दीक्षा सैनी। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा क्या हैं, क्या टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा हैं। टाइप्स में हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, जिसमें हम उनके बेसिक फीचर्स, उसके डिफरेंस, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम बेसिक डाटा को कलेक्ट करते हैं। बेसिक डाटा का मतलब यहाँ है प्राइमरी डाटा से। तो हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किस तरीके से करेंगे, उसमें हम कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स पढ़ेंगे, या कह सकते हैं मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ेंगे। उसमें हमारे आते हैं चार मेथड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे टाइप फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एज इट नेम सजेस्ट, डायरेक्ट पर्सनल मतलब क्या है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, वो पर्सनली हो रही है और डायरेक्टली हो रही है। कैसे हो रही है, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, क्लास टीचर है आपकी और स्टूडेंट्स हैं। टीचर को क्या कलेक्ट करना है, आपके सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स कलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो टीचर है वो आपसे पर्सनली पूछेगी। अब ये तो है नहीं आप किसी एक स्टूडेंट के, मान लो सपोज राम है, उसके मार्क्स शाम से पूछ लेगी, तो वहाँ पे क्या है, टीचर आपसे पर्सनली पूछेगी। तो वहाँ पे क्या है, पर्सनली कॉन्टेक्ट हो रहा है। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। इट इज द मेथड बाय विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स कौन होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब कि जैसे एग्जांपल लिया था हमने, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेंट्स कौन हुआ, शाम, क्योंकि वहां शाम से पूछना था, या फिर कह सकते राम से पूछना था। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या ये कह सकते हैं सिक्के की जो एक हमारा कॉइन होता है, हेड साइड भी होती है और टेल साइड भी होती है। तो इसी तरीके से हर चीज के पॉजिटिव साइड भी होती है और नेगेटिव साइड भी होती है। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, उसकी भी मेरिट्स भी होती हैं और डिमेरिट्स भी होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स पढ़ेंगे। पहली मेरिट्स है ओरिजिनल। जो डाटा होता है वो ओरिजिनल होगा। क्यों ओरिजिनल होगा, क्योंकि वहां पे हम पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहां पे ये तो है ना कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेटर को गलत इन्फॉर्मेशन देगा, गलत इन्फॉर्मेशन वहां होगी नहीं, तो वहां पे क्या जो चांसेस हैं, डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो वो एक मेरिट है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, कि वो जो है डाटा है वो ओरिजिनल है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जब डाटा ओरिजिनल हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि वो डाटा एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है वो ज्यादा है, तो वहां पे एक्यूरेसी होगी। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। जब हमें ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड हो रहा है, वो डाटा हमें एक्यूरेट भी है प्रोवाइड हो रहा है, तो वहां पे हम ये फेथ करके चल सकते हैं कि वो डाटा रिलायबल भी है हमारे लिए। तो ये भी इसकी एक मेरिट है। उसके बाद आता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसमें जैसे कि हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उस इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसके साथ ही और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज आपके पास कोई आपका फ्रेंड आया है, उस आपसे जस्ट ऐसी बात कर रहा है, और भाई तो आजकल कर क्या रहा है, तो उससे वो बताएगा बस कुछ नहीं, बस एजुकेशन चल रही है, स्टडी चल रही है। तो उससे इसके माइंड में ये होगा जो इन्वेस्टिगेटर है कि ये बंदा भी कुछ नहीं कर रहा, तो इसकी इनकम तो कुछ नहीं होगी, और तेरे फैमिली में पापा क्या करते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स की या जो उसके मम्मी पापा है उसकी बताएगा जो भी है, तो उसको आइडिया हो जाएगा भाई हाँ फैमिली इनकम है इस पर्सन की, तो वो ये पूछेगा वो किस जॉब पे, तो उससे उसके माइंड में ना आइडिया होने लग जाएगी इस बंदे की फैमिली इनकम इतनी है। तो उससे ना थोड़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करता है और इन्फॉर्मेशन निकाल भी लेता है, जस्ट एन आइडिया और बाय एन आइडिया। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्मिटी पे। जो यूनिफॉर्मिटी में का मतलब क्या है, यहाँ एक जैसा, जो डाटा इस मेथड के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं वहां पे यूनिफॉर्मिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है जो यूनिफॉर्मिटी के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो मैं हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट से पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना मेथड है कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग कैसा है स्टूडेंट के साथ। तो वहां पे मैं हर स्टूडेंट्स के साथ एक ही स्टाइल में या एक ही मेथड से बात करूंगी, क्योंकि हर कोई पर्सन यही सोचेगा कि मैं जो मेथड या स्टाइल यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बेस्ट हो,
तो वहां पे मैं अपने बेस्ट वे ऑफ टॉकिंग में उसी स्टाइल में या उसी मेथड में उनसे कांटेक्ट करूंगी, और वहां पे जो मेरा मेथड या स्टाइल होगा बोलने का वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है या जो उसका स्टाइल है जो मैं डाटा कलेक्ट करने का वो यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है कि हम डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये थे हमारे अभी तक की मेरिट्स। उसके बाद आता है डिमेरिट्स। अगर हम स्टूडेंट्स अभी हमने इसकी मेरिट्स पढ़ी इलास्टिक, अगर डाटा इलास्टिक है मतलब चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर है जो अपने फायदे के लिए चेंज कर रहा हो, तो वहाँ पे पर्सनल बायसनेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम इसके डिमेरिट क्या होगी हमें देखेंगे कि वहाँ पे पर्सनल बायसनेस के भी चांसेस ज़्यादा हैं। डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, इसमें क्या है हम पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हम सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही स्टडी कर सकते हैं या डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो जगह जगह जाकर डाटा कलेक्ट करे। नेक्स्ट है कॉस्टली। ये जो मेथड है वो कॉस्टली होगा क्योंकि हम इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जगह जगह जाना भी पड़ेगा, खर्चा भी आएगा, किराया भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ ही टाइम भी लगेगा, हमारे एफर्ट्स भी लगेंगे। तो इस तरीके से ये जो है इसकी डिमेरिट है वो कॉस्टली है। हमारी लास्ट डिमेरिट है लिमिटेड कवरेज। जैसे कि हमने ये डिमेरिट पढ़ी डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, हम वाइड एरिया को कवर अप नहीं कर पाते क्योंकि एक बंदा कहाँ तक जाएगा, उसको फैटिक भी होती है मतलब थकान भी होती है, तो इस वजह से वो वर्क नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाएगा। तो ये इसकी एक डिमेरिट है। उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी सुटेबिलिटी पे कि कहाँ कहाँ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है सुटेबल होगी। सबसे पहले स्मॉल फील्ड, स्मॉल फील्ड पे ही होगी। अभी हमने इसकी डिमेरिट्स पढ़ी है, उसमें क्या पढ़ा है कि वो वाइड एरिया में वर्क नहीं कर रहा, उसकी लिमिटेड कवरेज है, तो ऑब्वियसली बात है वो सुटेबल कहाँ होगा, जहाँ स्मॉल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी में क्या है कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डाटा ही इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें जो डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जो कि इसकी एक मेरिट भी है। नेक्स्ट है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जब आप पर्सनली डाटा कलेक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली बात है दो पर्सन के बीच में वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट होगी, ना ही उसके डिस्क्लोज होने के चांसेस हैं, वो कम ही होंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। इस मेथड की अपनी ही सिग्निफिकेंस है जिस वजह से हम इस मेथड्स को यूज करते हैं। सिग्निफिकेंस कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, तो दैट इज़ द सुटेबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टाइप है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। एज इट नेम सजेस्ट इनडायरेक्ट, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन जो ले रहा है इनडायरेक्टली ले रहा है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, और जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो ओरली कलेक्ट की जाएगी। इसके बारे में और जानने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट इज द मेथड बाय विच इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये वो मेथड है जिसमें जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग होम द इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। जिस पर्सन से हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना, उस पर्सन से हम वो इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। इट इज कलेक्टेड ओरली, ये जो कलेक्ट किया जाएगा डाटा वो ओरली कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम अदर पर्संस हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जहाँ हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ये पर्सन हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। दीज अदर पर्संस आर नोन एज विटनेसेस, जो ये अदर पर्सन होगा वो यहाँ क्या कहलाएगा, विटनेस कहलाएगा। अब जैसे कि स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, कोई भी कोर्ट केस चल रहा होता है तो वहाँ पे एक तो क्रिमिनल होता है और एक विटनेस होती है और एक हमारा जज होता है। तो उसमें क्रिमिनल तो अपने आप को जस्टिफाई करेगा, लेकिन क्या है जो जज है उस क्रिमिनल से ना पूछ के जो विटनेस है उससे इनडायरेक्टली कॉन्टेक्ट करता है, या फिर इनडायरेक्टली ही वो जो विटनेस है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वो ओरली इन्वेस्टिगेशन करता है। कौन? जज। वहाँ क्या कह सकते हैं, ओरली क्या है, डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स, डिमेरिट्स और सुटेबिलिटी। तो सबसे पहले आते हैं हम मेरिट्स पे। तो हमारी सबसे पहले मेरिट है वाइड कवरेज। वाइड कवरेज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ना ज्यादा बड़े एरिया को कवर कर पाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी दिया था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस सोल्व कर रहा है जज, और वो पता नहीं केसेस कहाँ है, पता नहीं कितनी कितनी स्टेट से आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो उसे सोल्व करते वक्त जो जज है वो काफी वाइड एरिया को कवर कर पाता है और वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर पाता है, ताकि भाई अगर वो नेक्स्ट हियरिंग देता है तो क्या उसे डिसीजन लेना है।
नेक्स्ट हमारी मेरिट है लेस एक्सपेंसिव। अब जज जब डिसीजन ले रहा है ये डाटा कलेक्ट करे उसका खर्चा क्या है, बहुत ही कम आएगा। अगर हम पर्सनली अगर जज साहब के घर जाना पड़ गया तो उसको कितना सारा खर्चा पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तभी तो एक प्लेस बनाई है जो कि है कोर्ट, तो वहाँ पे जो खर्चा है वो भी कम आएगा। नेक्स्ट है एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें ना एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की नीड होती है। अब जज है उसको जज क्यों बनाया है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस चीज में, ठीक है, तो इसलिए उसके ओपिनियन की वहाँ पे नीड होती है, जो कि ये इसकी एक मेरिट है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम बायसनेस। ये जो बायसनेस से फ्री रहता है, क्यों, अब एग्जाम्पल कॉन्टिन्यू रहेगा, जो जज है वो हमेशा क्या है, जो डिसीजन जो सही होगा वो ही लेगा। ये तो है नहीं कि वो बायसनेस दिखाएगा, अगर ऐसे बायसनेस होने लगी तो फिर कोर्ट में ही लोग जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे जो क्या है बायसनेस के चांसेस है वो कम के बराबर होते हैं। लास्ट मेरिट है हमारी सिंपल। जो ये इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होती है वो सिंपल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हम इन्फॉर्मेशन है ओरली प्राप्त कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि हमें रिटर्न में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये थी इसकी मेरिट्स। सो अब हम करेंगे इसकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में सबसे पहले है लेस एक्यूरेट। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी के चांसेस कम होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कि मान लो विटनेस है वो बता रहा है कि इस तरीके से केस हुआ था, तो क्या हो सकता है उसको किसी ने पैसे दे रखे हों और वो वहाँ पे झूठ बोला, तो वहाँ पे एक्यूरेसी के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। नेक्स्ट है बायस्ड। बायस्ड भी हो सकता है, समटाइम क्या होता है जो जज है उसको भी पैसे किसी ने दे रखे हों तो वहाँ पे वो बायस्ड डिसीजन लेगा, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डिमेरिट है। नेक्स्ट और लास्ट डिमेरिट है हमारे डाउटफुल कंक्लूजन। जैसे कि मान लो कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, ठीक है, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है हमारा केस चल रहा है और जज ने डिसीजन दे दिया, आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, वो डिसीजन जो है जो कंक्लूजन है वो डाउटफुल है, तो आप क्या करोगे, हायर कोर्ट में जाओगे। तो इस तरीके से क्या होता है, डाउटफुल कंक्लूजन आते हैं, जो कि इसकी क्या है, डिमेरिट बनती है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी लार्ज फील्ड। लार्ज फील्ड जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज फील्ड में वर्क करता है। जैसे कि हमने इसकी मेरिट्स में भी पढ़ा था वाइड कवरेज, जो कि वाइड एरिया को कवर कर पाता है, तो ये मेथड वहीं सुटेबल होगा जहाँ पे जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज होगा। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जहाँ पे क्या है हम फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे वहाँ पे क्या है हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को यूज करते हैं। उसके बाद आता है इलिटरेसी। इलिटरेसी के केस में क्या होता है कि जो पर्सन पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है कि वो ओरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सके, किसको, इन्वेस्टिगेटर को। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो जो एक्सपर्ट ही है ना वही इस इन्फॉर्मेशन को दे सकता है या समझ सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ही इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन। Thank you.